क्षेत्र में फॉर्मर खिलाड़ी रहे हैं कबड्डी के, तो उनका खेल भावना को मेंटेन करते हुए यूनिटी नजर आ रही है रामनगर के पार्क में। और वो देखना होगा क्या है, रामनगर में स्कोर 12 प्रीतम चतरा 4 और ज्यादा। सब्सक्राइब करें इस SKP YouTube चैनल को, जहां से इस कबड्डी को ऑनलाइन भी YouTube के प्लेटफॉर्म पर देखा जा रहा है और देखा जा सकता है। सभा सदस्य के प्रत्याशी एवं युवा समाज सेवी रेफरी का संकेत, गेम प्रारंभ होता हुआ और इस तरीके से प्रीतम चतरा और रामनगर के बीच जो मुकाबला चल रहा है, इसमें रामनगर का खाता खुलता हुआ, रामनगर का इसको रेड, रामनगर की तरफ से रेड हो रहा है। प्रीतम चतरा के पाले में दोनों ही टीमें कल अपने अपने मुकाबले जीत करके ये पहला सेमीफाइनल मुकाबला आज का खेला जा रहा है। प्रीतम चतरा की तरफ से अंशु रेड पे है, 18 नंबर के जर्सी में अंशु, रामनगर की तरफ से रेड है। देखना होगा, अभी रामनगर का खाता खुला है लेकिन प्रीतम चतरा का खाता खुलना बाकी है। एक बार फिर से रामनगर के तरफ से रेड है। कल ये रामनगर का रेडर काफी कमाल दिखाया था और काफी हम अर्जित करने में कामयाब हो पाए थे। ये रामनगर के सुंदर और सरहरे बदन के चुस्त दुरुस्त रेडर, रामनगर का फिर से स्कोर बढ़ता हुआ, रामनगर का स्कोर 2, अभी खाता खोलना बाकी है। प्रीतम चतरा का अंशु प्रीतम चतरा की तरफ से रेड कर रहे हैं रामनगर के पाले में। बहुत सुंदर तरीके से बैक किक लगाने का प्रयास, दिखावे का उनका दिखावा कहीं और था लेकिन टारगेट कहीं और था, लेकिन इसमें कामयाब हो नहीं पाए। रामनगर के खिलाड़ी काफी चुस्त अच्छी खेल का प्रदर्शन कर रही है, रामनगर की टीम दिखाई थी लेकिन थोड़ी सी आज उनसे गलती हुई है। समय बहुत ज्यादा लगे है, 2.5 का संकेत, 2.5 रेड है। प्रीतम चतरा की तरफ से हर हाल में टच अंक प्राप्त करना होगा। तो बहुत अच्छे दोनों ही टीमें गेम को खेल रही है खेल भावना से, और खेल भावना होना भी चाहिए और दोनों ही टीमों को बराबरी का सपोर्ट मिला। एक बोनस अंक प्राप्त करती हुई प्रीतम चतरा का खाता खुलता हुआ, प्रीतम चतरा 1 रामनगर 2। रामनगर की तरफ से लगातार रेड किए जा रहे हैं, टच करने का दावा है रामनगर के खिलाड़ी के द्वारा, जी हाँ रेफरी का भी नजर, एक अंक और होता हुआ रामनगर को, रामनगर का स्कोर जा पहुंचा 3, प्रीतम चतरा 1। दोनों ही टीमें अपनी अपनी जो मुकाबला हुआ है उसमें विपक्षी को परास्त करके इसे पहले से भी फाइनल में आमने सामने भिड़ी है। और ये देखिए रेडर को आउट करने का प्रयास किया गया है, देखना होगा जो रेफरी है अखिलेश सिंह और तपन, उनके द्वारा जो संकेत काफी लंबा अनुभव रहा है। तपन सिंह जी का भी कबड्डी के क्षेत्र में फॉर्मर खिलाड़ी रहे हैं कबड्डी के, तो उनका जाहिर सी बात है अनुभव काम आएगा। और 2 अंक और प्राप्त करती हुई रामनगर का स्कोर जा पहुंचा 6, प्रीतम चतरा अभी भी 1 पे। देखना होगा क्या रामनगर के खिलाड़ी ऑल आउट करने में कामयाब हो पाते हैं प्रीतम चतरा को या नहीं। अंशु रेड पे है प्रीतम चतरा की तरफ से, 18 नंबर के जर्सी, संभवतः और समय रेड का समाप्त होने वाला है। देखना होगा वो क्या वो अपना हाथ आगे कर पाते हैं या नहीं, जी हाँ नहीं कर पाए। एक बार पूरी टीम ऑल आउट हो गई है प्रीतम चतरा की, तो रामनगर को काफी ज्यादा फायदा पहुंचा रामनगर का इसको छलांग लगाते हुए। 9 प्रीतम चतरा 2, एक और फायदा पहुंचा रामनगर को, रामनगर का स्कोर 10,
प्रीतम सत्रह दो। एक बार रामनगर की टीम प्रीतम सत्रह को ऑल आउट करने में कामयाब हो पाई है, सफल हो पाई है, देखना होगा कि क्या प्रीतम सत्रह की तरफ से रेड में कुछ अच्छा कर पाते हैं रेडर, देखना होगा। रामनगर की तरफ से रेड है प्रीतम सत्रह के पाले में। लगातार चकमा देने का प्रयास करना होगा, क्या करने में कामयाब हो पाए या नहीं, ऐसा नहीं हुआ। प्रीतम चपड़ा के खिलाड़ियों ने बहुत अच्छे से टैंगल कर लिया था रामनगर की रेडर को। प्रीतम चपड़ा को फायदा पहुंचा, स्कोर पहुंचा की रामनगर का। प्रीतम चपड़ा की तरफ से रेड है। एक बार फिर से रामनगर की तरफ से रेड है प्रीतम चपड़ा के पाले में। एक बार रामनगर ऑल आउट करने में कामयाब हो पाई है प्रीतम चपड़ा को, और जान बुझ करके उन्होंने अपना एंकल दिया डिफेंसर को, समझ लिया कि आप एंकल पकड़ पकड़ लिया है टच करने का प्रयास, और चकमा देते हुए अपने पाले में सुरक्षित रामनगर के रेडर। रामनगर से स्कोर पहुंचे 11 और 3 पे अभी भी प्रीतम चपड़ा। रामनगर की तरफ से फिर से रेड, लगातार एक ही खिलाड़ी रामनगर के पाले से रेड कर रहा है प्रीतम चपड़ा के पाले में। चकमा देने का प्रयास किया जा रहा है रेडर के द्वारा। डू एंड वायलेट का संकेत प्रीतम चपड़ा के तरफ से, बहुत अच्छे ढंग से गेम का संचालन किया जा रहा है। दोनों ही रेफरी के पीछे इस खेल का काफी लंबा अनुभव। एक अंक और फायदा पहुंचा है प्रीतम चपड़ा को। प्रीतम चपड़ा का स्कोर 4 है रामनगर 11। रामनगर की तरफ से रेड है। प्रीतम चपड़ा की तरफ से रेड है इस बार रामनगर के पाले में, और देखिए बहुत सुंदर तरीके से रेडर को टैकल कर लिया गया है रामनगर के खिलाड़ियों के द्वारा। पूरा डिफेंस सामने आए दो रेड पे इस बार रामनगर है। रामनगर को एक अंक का फायदा पहुंचा। रामनगर का स्कोर 12 प्रीतम चपड़ा 4, और रामनगर का स्कोर जा पहुंचा 14 इन दो के साथ प्रीतम चपड़ा 4। कल बहुत अच्छा गेम देखने को मिला था प्रीतम चपड़ा के द्वारा, जिस तरीके से चपड़ा को परास्त करने में कामयाब हुए थे प्रीतम चपड़ा के खिलाड़ी, लेकिन आज कुछ रामनगर के सामने असर बेअसर सा नजर आ रहा है प्रीतम चपड़ा का। रामनगर बढ़त बढ़ा चुकी है गेम में। रामनगर का कल भी बहुत अच्छा खेल का प्रदर्शन देखने को मिला था, और लगातार जो अमन है वो कल भी इनका जलवा बरकरार रहा है, आज भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब हो पा रहे हैं। और ये देखिए जान बुझ करके वो अपना एकदम दे रहे हैं विपक्षी के खेमे में, लालच में आए हैं, और उसे वो लालच को अंक में कन्वर्ट करने में कामयाब हो पा रहे हैं अमन। एक अंक और अर्जित करते हुए अमन रामनगर का स्कोर पहुंचा 15 प्रीतम चपड़ा 4। अंशु से बहुत रेड पे है, और इस बार सफलता मिल जाएगी अंशु को, एक अंक हासिल करने में सफल हुए प्रीतम चपड़ा का स्कोर पहुंचा 5। 4 का डिफरेंस है
हमन का एक विशेष बात की वो जान बुझ करके अपना एंकल विरोधी के ठेले में दे रहे हैं और अपनी चालाकी के साथ चकमा दे करके वापस सफलतापूर्वक अपने ठेले में वापस चले जाते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ रामा, बहुत सुंदर नजारा और इस तरीके से रामनगर का स्कोर पहुंचा 16। प्रीतम सभा लगातार बढ़िया खेल देखने को मिला है रामनगर के युवाओं के द्वारा और कुमार भी हाथ आजमाया गया है, सफलता मिली पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस से लबरेज है वहां। ये रामनगर के लिए काफी फायदेमंद है। पहले पारी का 4:45 का समय शेष बचा है पहले हाफ का। रामनगर की तरफ से लगातार रेड ने जीता अमन के कंधों पर है और बखूबी वो इसको अच्छे से निभा भी रहे हैं और लगातार अंक ले जा रहे हैं अमन। आज थोड़े बहुत बदलाव देखने को मिल रहा है रामनगर के पाले में। टीम नहीं है कल के जो शोरूम थे वो रामनगर के खेल में दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक बार फिर से रामनगर दूसरी मरतबा पूरी टीम को ऑल आउट करने में कामयाब हो पाई है। रामनगर का स्कोर क्या पहुंचा 21 और प्रीतम सभा 5। रामनगर बढ़त बना चुकी है इस गेम में क्योंकि पूरी टीम जो है खेल भावना को मेंटेन करते हुए यूनिटी नजर आ रही है रामनगर के पार्क में और वो देखना होगा क्या है। दो अंक का संकेत रेफरी महोदय तपन जी के द्वारा। अपने जो डिसीजन है उसको रिवर्स करते हुए रेफरी 4 अंक अर्जित करके वापस लौटे सुपर रेड रामनगर के इस युवा के द्वारा। रामनगर का स्कोर पहुंचा 25। प्रीतम सरप्पा काफी पिछड़ रही है और यहाँ पे पूरा डिफेंस रामनगर का टैकल करने में सफलता हासिल किया है। देखना होगा रेफरी का निर्णय सर्वमान्य है। इस तरीके से अंक अर्जित करने में कामयाब हुआ रामनगर का स्कोर 26। प्रीतम सभा 5। एक अमन अकेले प्रीतम सभा के टीम के ऊपर भारी पड़ रहे हैं, उनको टैकल कर ही नहीं पा रहा है प्रीतम सभा के खिलाड़ी। डिफेंस उनको रोकने में असमर्थ। देखना होगा कि हाँ बहुत सुंदर रेड माना जा सकता है सुपर रेड। रेफरी का संकेत 3 अंक प्राप्त करता हुआ ये खिलाड़ी प्रीतम चोपड़ा का। जी हाँ इसमें किसी बात का आश्चर्य नहीं होना चाहिए। रेफरी का निर्णय सर्वमान्य इस बार थोड़ा बहुत फायदा पहुंचा है प्रीतम चोपड़ा को। प्रीतम चोपड़ा का स्कोर 8। फिर से रेड की जिम्मेवारी अमन के कंधों पर। लगातार अमन रामनगर को अंक मिलाते हुए क्या होगा एक बार किसी भी प्रकार का बहस रामनगर के पक्ष में था। रामनगर की तरफ से रेड है। देखना होगा पूरा डिफेंस नहीं है प्रीतम छपरा का। 4 का डिफेंस है रामनगर की तरफ से रेड है। काफी ये जो रेडर है स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। देखना होगा कि क्या वो अंक अर्जित करने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। एक बार फिर से प्रीतम छपरा की तरफ से रेड था, पुनः रामनगर की तरफ से रेड। रामनगर का स्कोर 29, प्रीतम छपरा 9।
सेफ खेलने का प्रयास किया जा रहा है रामनगर के खिलाड़ियों के द्वारा। संभवतः कोशिश है कि जो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना है वो टू एंड टाई रेड पे ही एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना है, जोखिम लेना है, अदरवाइज सेफ खेलते रहे क्योंकि गेम में काफी बढ़त बना चुकी है। ये अच्छा माइंड सेट भी कहा जा सकता है रामनगर का। बहुत सुंदर रणनीति, टू एंड टाई रेड रामनगर की तरफ से, टू एंड टाई रेड पे इस बार कुछ एक्स्ट्रा करना होगा रामनगर के द्वारा, इसीलिए शायद अपने सबसे बलशाली रेडर को भेजा है रामनगर ने। क्या बल काम आ पाता है विपरीत परिस्थितियों में नहीं है आप इतना होगा रेफरी का संकेत, रेफरी महोदय का संकेत, एक एक अंक दोनों ही टीमों को पहुंचा पाएगा, दोनों ही टीम एक एक अंक प्राप्त करने में कामयाब हो पाई। और जो रामनगर है 19 पॉइंट जब पहुंच सकती और 10 का स्कोर तो प्रीतम छपरा फायदा पहुंचा रामनगर को। रामनगर का स्कोर पहुंचा 31 और प्रीतम छपरा 10। आज का जो तीसरा गेम है वो बक्सर बनाम कोरहड़ा के बीच खेला जाएगा। इस गेम के तुरंत बाद बक्सर बनाम कोरहड़ा के बीच खेला जाएगा। मैं बक्सर के खिलाड़ियों से गुजारिश करूंगा कि वो तैयार रहे, इस गेम के समाप्ति के तुरंत बाद बक्सर और कोरहड़ा के बीच गेम होगा। मैं लाइन मैच को सुनिश्चित करना चाहूंगा, चूड़ा गिरा दे लाइन को थोड़ा सा उजागर कर दे लाइट मैन। लगातार प्रीतम छपरा की तरफ से कुछ एक्स्ट्रा करने का प्रयास किया जा रहा है। रामनगर की तरफ से रेड है 31 स्कोर है रामनगर का, काफी आगे निकल चुकी है रामनगर, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ये साफ रामनगर के टीम के खिलाड़ी के चेहरे पर देखा भी जा सकता है, काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। वो जानते हैं कि गेम उनके हक में चल रहा है, फिलहाल किसी भी प्रकार का जोखिम लेना मूर्खता कहलाएगा। और यहाँ पे जोखिम लेना होगा तो प्रीतम छपरा को लेना होगा क्योंकि काफी पिछड़ रही है इस मुकाबले में प्रीतम छपरा। और कामयाब होती हुई प्रीतम छपरा चार अंक प्राप्त करने में सफलता प्राप्त किया है। दो थे मुकेश रामनगर के तरफ से हाफ में अमन रेड कर रहे हैं और थोड़ा बहुत सफलता भी आ
किया है इन्होंने, इसी को देखते हुए रामनगर की टीम ने डिसाइड किया है कि हम उनको थोड़ा सा रेस्ट दिया जाए। एक बार फिर से दो बार पारी करने में हम कामयाब हुए। रामनगर का स्कोर क्या हो जाता है, 34-34। मिलता हुआ फिर से रामनगर को, रामनगर का स्कोर 35-35। मुकेश लगातार रामनगर की तरफ से रेड कर रहे हैं, सुपर टैकल लॉन्ग है और बहुत अच्छा छलांग चीते जैसी लगाई मुकेश ने और सीधे अपने पाले पर सुरक्षित रामनगर का स्कोर पहुंचा दिया 35। प्रीतम चोपड़ा की तरफ से रेड है रामनगर के पाले में प्रॉपर डिफेंस है और अकेले अपने बाहुबल को अजमाने चले थे रामनगर के ये युवा, लेकिन सपोर्ट को मिला, फायदा पहुंचा प्रीतम चोपड़ा को। प्रीतम चोपड़ा का स्कोर पहुंचा 20। रामनगर अभी भी 37-37। अति सुंदर टाइम लगा करके अपने पाले पर सुरक्षित पहुंचे अब मुकेश्वरी। किसी भी प्रकार की बहस की आवश्यकता है नहीं, बहरहाल सुंदर गेम चलता हुआ, सुनहरा अवसर है रामनगर के पास की वो ऑल आउट कर दे प्रीतम छपरा को। इस सुनहरे अवसर को गवाना नहीं चाहेगा रामनगर। अभी भी प्रीतम चोपड़ा पिछड़ रही है, सुपर टैकल ऑन है, देखना होगा कि क्या टैकल करने में कामयाब हो पाते हैं रामनगर के रेडर को। प्रीतम चोपड़ा के ये टीम की डिफेंस टिकली, अंशु रामनगर की तरफ से रेड के पांच पार्टी प्रेस है, शब्दों के जाल में बुनने का प्रयास किया जा रहा है, चक्रव्यूह रची जा रही है रामनगर के खिलाड़ियों के द्वारा, लेकिन अब सुरक्षित अपने पाले में रामनगर की तरफ से रेड है। तीन का ही डिफेंस है यानी कि सुपर टैकल ऑन है, एक और खिलाड़ी और टैकल कर लिए गए हैं। प्रीतम चोपड़ा के खिलाड़ियों ने बहुत सुंदर टैकल का नमूना पेश किया और एक अंक का फायदा पहुंचा प्रीतम चोपड़ा का, स्कोर पहुंचा 34। और एक अंक ही अच्छी करने में कामयाब हुआ प्रीतम चोपड़ा, प्रीतम चोपड़ा का स्कोर पहुंचा 25। रामनगर 38। अमन बहुत लंबे टाइम के बाद अमन के कमरों पे जिम्मेवारी फिर से आ गई है, इस बार रामनगर के पाले में सुपर टैकल ऑन है। अगर वो सफलता प्राप्त करते हैं अंशु को पकड़ने में तो रामनगर को रामनगर का स्कोर जा पहुंचा 40। प्रीतम चोपड़ा 25 और यहां पर हम सफलता प्राप्त किए हैं अपने पाले में। दोनों तरफ एक एक अंक जाता हुआ प्रीतम चोपड़ा के तरफ से रेड है।
बहुत अच्छे से टाइम कर दिया गया रामनगर के द्वारा। मुकेश रेड पे है रामनगर की तरफ से। सुपर टैकल अभी भी ऑन है प्रीतम छपरा के पाले में। अग्रेसिव होने होने रोक रही है बहुत अच्छे से। देखो खिलाड़ी जानते हैं कि यहाँ से किसी भी प्रकार का रिस्क लेना सही नहीं होगा, तो वहां से है रामनगर और नुकसान झेलना पड़ा मुकेश को। जैसा कि कहावत है वही हुआ, यहाँ पे आवश्यकता से ज्यादा कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था, उसका मर्यादा भुगतना पड़ा। यहाँ पे फिर से सुपर टैकल ऑन है जबरदस्त सेलिब्रेशन देखने को मिला यहाँ पे अमन के द्वारा, और वो भी उन्होंने लगातार रामनगर को जिस मुकाम पे उन्होंने पहुंचाया है अमन का काफी बड़ा योगदान है। एक अंक और मिलता हुआ प्रीतम छपरा को, प्रीतम छपरा का इसको रखवाए रामनगर 45। रामनगर की तरफ से अमन रेड पे है लगातार और रामनगर का स्कोर है 45। हालांकि रामनगर बढ़त बढ़ाई हुई है, लेकिन एक अंक का और फायदा पहुंचा रामनगर को। रामनगर ने उनका अच्छी आगे अभी भी सीट पर टैकल ऑन है प्रीतम छपरा के पाले में। दो गोल डिफेंस है हो पाएंगे नहीं जी हाँ मेरा और फायदा पहुंचा रामनगर को। रामनगर ने इसको 47 और 30 पे अभी भी प्रीतम छपरा, प्रीतम छपरा की तरफ से रेड है। रामनगर का स्कोर 47 है, प्रीतम छपरा का स्कोर 30 है, रामनगर की तरफ से रेड है, अमन के कंधे पे रामनगर के रेड का जिम्मा एक बार फिर से। एक मिनट 40 सेकंड का समय से सफलता हासिल टच करने को लेकिन अमन है। एक अंक और फायदा मिला रामनगर को। रामनगर फाइटर का समय शेष बचा है, रेफरी का संकेत प्रीतम छपरा का तरफ से रेड है रामनगर के पाले में। रामनगर का प्रबल डिफेंस है, प्रीतम छपरा को यहां से जोखिम उठाना होगा और रामनगर चाहेगी कि किसी भी प्रकार का अवसर ना दिया जाए। प्रीतम छपरा का स्कोर 32, रामनगर 40। और एक बार फिर से अमन का शुरू से ही ये रणनीति रहा है कि जानबूझ करके अपना जो एकल है विपक्षी के पाले में देते हैं ताकि वो लालच में आए
और ये चकमा देता है। 49 के स्कोर पे जा पहुंची है। रामनगर 16 सेकंड का समय सिर्फ बचा है। रामनगर ने मैच समय ओवर होता हुआ रेफरी का संकेत। और इस तरीके से ये जो मुकाबला है रामनगर दीपक सप्रा को हरा करके अपने नाम की तो पहला सेमीफाइनल मुकाबला रामनगर जीत लिए है। जो अब नेक्स्ट जो गेम होगा